बीजेपी के पूर्व पार्षद के साथ चुनावी रंजिश में मारपीट की घटना हुई है। नेताजी का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। माकड़ोन के वार्ड नंबर 4 के पूर्व बीजेपी पार्षद रतन के साथ मारपीट की घटना हुई है। मामले में पुलिस ने मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं घायल का सरकारी अस्पताल में उपचार जारी है। पूर्व पार्षद रतन ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव हारने पर आरोपी द्वारा रंजिश रखते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। घटना में पुलिस ने मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है, जबकि आरोपी ने हत्या करने के मन से मारपीट की थी। पूर्व पार्षद पर हुए हमले में गंभीर घायल पूर्व पार्षद ने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। जी बताइए, आपका विवाद हुआ है, क्या कारण है? सर, मैं चुनाव लड़ा बीजेपी पार्षद वार्ड क्रमांक 4 से, रतन नाम मेरा। चुनाव एक निर्दलीय पार्षद हारा हुआ, बार बार गाली गुप्ता करता रहता, तभी उसके पार्षद पद से इस्तीफा दे वरना जान से मार डालें किसी दिन तेरे को। मैं बार बार उसको टालता रहा, उस चीज़ को समर्थन रंग मेरे हिसाब से चलता रहा। जिसके बाद कल मैं 11 बजे मेरे घर से एक दुकान पे सोयाबीन का नमूना लेके गया, तो मेरे को कोई भी मालूम नहीं था। मैंने उस दुकानदार के जो नमूना बताया, जैसे कि मैं पीछे पलटा, इसमें 4 आदमी व्यक्ति ने मेरे ऊपर डायरेक्ट हमला कर दिया। कौन लोग हैं वो जो उसे मारे? वो एक शांतिलाल निर्दली हारा हुआ पार्षद, उसका बेटा अर्जुन पिता शांतिलाल, एक बने सिंह उसके परिवार का, बने सिंह पिता दुले सिंह। किस चीज़ हमला करा आपके ऊपर? लाठी लोंगी लॉन्ग माकड़ोन थाने में, और एक प्रेम नारायण। आपका नाम बताओ? मेरा नाम रतन लाल, पिता मंजूलाल, वार्ड क्रमांक 4 पार्षद बीजेपी डेलची। आगे घटना? ये डेलची पुलिया के ठाकुर की दुकान के, दरबार सिंह ठाकुर की दुकान के ऊपर। कौन सा गांव? डेलची का।